हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में जाना था। तो आज हम जानेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एवं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फ्लावर्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं, खूबियां पाई जाती हैं जो कि प्रमोट करती हैं सेल्फ पॉलिनेशन को या क्रॉस पॉलिनेशन को। तो पहले हम देखते हैं कि जिन फ्लावर्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, क्या क्या अडेप्टेशन पाए जाते हैं जो फेवर करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। फर्स्ट है होमोगैमी। होमोगैमी यानी कि जब फ्लावर हमारा कंप्लीट फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जब फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही टाइप के गैमेट्स सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं तो इसे कहते हैं हम होमोगैमी। यानी कि जो मेल गैमेट है, हमारे पोलन ग्रेन्स हैं और हमारा एग है, वो सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसका एग्जांपल है हमारा सनफ्लावर। सनफ्लावर के अंदर जो स्टेमन है और हमारा पिस्टल है सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं, सेम टाइम पर वो पोलन ग्रेन्स और एग प्रोड्यूस करते हैं तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड है हमारा क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में क्या है, जो फ्लावर होता है वो अपने लाइफ टाइम में, पूरे लाइफ टाइम में कभी भी ब्लूम नहीं करता है, खिलता नहीं है, क्या रहता है वो पूरे टाइम बंद रहता है। ऐसे फ्लावर को कहते हैं हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब जब फ्लावर खिलेगा नहीं तो उसके अंदर से पॉलन्स निकल के बाहर नहीं जा सकते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन ऐसे फ्लावर्स के अंदर नहीं हो सकता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है ऑक्सैलिस, वियोला, कोमेलिना। तो इन फ्लावर के अंदर जो ये जो प्लांट्स हैं ऑक्सैलिस, वियोला और कोमेलिना, इनके अंदर जो प्लांट है उसके ऊपर दो तरह के फ्लावर पाए जाते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी होते हैं यानी जो बंद रहते हैं, और चेस्मोगैमस फ्लावर भी होते हैं जो कि खुलते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर को, क्लिस्टोगैमी को हम हिंदी में कहते हैं अनुन्मिलियता। तो ऐसे फ्लावर जो हमेशा बंद रहते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। और इन प्लांट्स में चेस्मोगैमस फ्लावर भी पाए जाते हैं यानी कि जो कि नॉर्मल फ्लावर होते हैं, जैसे अदर फ्लावर खिलते हैं ऐसे ही वो फ्लावर भी खिलते हैं। नॉर्मल फ्लावर को हम कहते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर और वो फ्लावर जो कभी नहीं खिलते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं यानी कि इन फ्लावर के अंदर केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है। नेक्स्ट हमारा अडेप्टेशन है जियोकार्पी। जियोकार्पी के अंदर ये हमारा ग्राउंड नट में मूंगफली के अंदर देखा जाता है और इसके अंदर जो फ्रूट का जो डेवलपमेंट होता है वो सॉइल के नीचे होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा ये हमारा फ्लावर है, ये हमारी ओवरी है और ओवरी किससे जुड़ी होती है, ओवरी जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, लंबा हो जाता है और लंबा होने के बाद जो हमारा फ्रूट है वो कहाँ पहुंच जाता है, सॉइल के नीचे पहुंच जाता है। तो जो जियोकार्पी है वो भी किसे प्रमोट करती है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। इसके अंदर जो फ्रूट की राइपनिंग होती है वो सॉइल के नीचे होती है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल मिराबिलिस जालपा का। मिराबिलिस जालपा के अंदर जब हमारे एंथर मैच्योर हो जाते हैं और वो उनके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो रेडी हो जाते हैं तो उस समय ये बैंड हो जाते हैं किसकी तरफ, स्टिग्मा की तरफ। जो हमारे एंथर हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं उनके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो रेडी होते हैं पोलन ग्रेन को रिलीज करने के लिए, उस समय जो हमारे एंथर है वो क्या होता है, जो हमारा फिलामेंट है, एंथर और फिलामेंट, जो फिलामेंट है वो क्या होगा, लंबा होकर बैंड हो जाता है किसकी तरफ, स्टिग्मा की तरफ, जिससे कि जो पॉलन है वो किसके ऊपर गिरे, स्टिग्मा के ऊपर ही गिरे। हम इसे समझ लेते हैं, ये हमारे एंथर हैं और ये हमारा स्टिग्मा है। तो ये जो एंथर है वो लंबे हुए फिलामेंट
और जो एंथर है वो कहाँ पहुंच गया, स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गया। तो जो पॉलन है जब रिलीज होंगे तो वो कहाँ गिरेंगे, स्टिग्मा के ऊपर ही गिरेंगे। तो ये क्या है, एक एडेप्टेशन है फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। विंकारोजियम, विंकारोजिया के जो फ्लावर होते हैं वो फनल शेप होते हैं और जो हमारे स्टेमन है वो कहाँ होते हैं, ऊपर टॉप पर होते हैं। तो जब हमारे स्टेमन मैच्योर हो जाते हैं और हमारा जो एग है वो भी प्रोड्यूस हो जाता है, तो उस समय जो हमारा स्टाइल है वो अपनी लेंथ बढ़ा लेता है और बढ़ाने के बाद कहाँ पहुंच जाता है, स्टेमन के पास पहुंच जाता है, जिससे कि जब एंथर हमारे पॉलन को रिलीज करेंगे तो वो पॉलन कहाँ गिरेंगे, हमारे स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे। तो ये भी एक एडेप्टेशन है फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम बात करते हैं आलू यानी कि सोलेनम ट्यूबरोसम की। सोलेनम ट्यूबरोसम के अंदर जो स्टिग्मा होता है वो अपनी लेंथ बढ़ा लेता है और वो एंथर के चारों तरफ कॉइल हो जाता है, जिससे कि जो एंथर से जब पॉलन रिलीज होंगे वो कहाँ गिरेंगे, स्टिग्मा के ऊपर ही गिरेंगे। तो ये भी प्रमोट कर रहा है किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को। तो इस तरीके से ये कुछ एडेप्टेशन है फॉर सेल्फ पॉलिनेशन जो कि फ्लावर्स के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ हमने देखा होमोगैमी थी यानी कि दोनों ही मेल सेक्स ऑर्गन्स भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी एक ही टाइम पर मैच्योर हो रहे थे, लेकिन इनके यहाँ क्या देखा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन में, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी यानी कि भिन्न काल पक्वता, नाम से ही पता चल रहा है, यानी जो मेल गैमेट है वो पहले मैच्योर हो जाते हैं और फीमेल गैमेट बाद में मैच्योर होते हैं, या फीमेल गैमेट पहले मैच्योर हो जाते हैं और मेल गैमेट बाद में होते हैं, यानी जो मेल और फीमेल गैमेट है वो अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं और इसे कहा जाता है डाइकोगैमी। ऐसे फ्लावर जिनके अंदर मेल गैमेट पहले मैच्योर हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटेंड्रस फ्लावर, और जिनके अंदर फीमेल गैमेट पहले प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें कहते हैं हम प्रोटोगाइनस फ्लावर। और इनके एग्जाम्पल है हमारे कॉटन, ओकरा, ये इसके एग्जाम्पल है। तो भिन्न काल पक्वता में जब अलग अलग टाइम हमारे गैमेट्स मैच्योर होंगे तो वहां सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रमोट किसे कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन को। इसके बाद आती है डाइक्लाइनिंग। तो अभी तक जो भी हम एडेप्टेशन देख रहे हैं वो सब कहाँ देख रहे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर देख रहे हैं, ऐसे फ्लावर जिनके अंदर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स यानी मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही पाए जाते हैं, लेकिन डाइक्लाइनी यानी कि एक लिंगिता। ऐसे फ्लावर भी होते हैं जिनके अंदर केवल या तो मेल पार्ट होंगे या फीमेल पार्ट होंगे, ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं एक लिंगी फ्लावर या डाइक्लनस फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर जिनके अंदर केवल मेल ऑर्गन है उन्हें हम कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, और जिनके अंदर केवल फीमेल ऑर्गन है उन्हें हम कह रहे हैं पिस्टिलेट फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर किसको प्रमोट करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को, क्योंकि इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता है क्योंकि फ्लावर के अंदर केवल एक ही पार्ट है, दूसरा पार्ट है ही नहीं, है तो मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, तो पॉलिनेशन के लिए पॉलन को दूसरे फ्लावर पर जाना ही पड़ेगा, और जो फीमेल फ्लावर है उनके ऊपर केवल दूसरे फ्लावर के ही पॉलन आ सकते हैं क्योंकि उस फ्लावर के अंदर पॉलन प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। तो एक लिंगिता किसको प्रमोट करती है, क्रॉस पॉलिनेशन को, एक अडेप्टेशन है फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट आता है हमारा हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली के अंदर एक ही स्पीशीज के फ्लावर व एक ही स्पीशीज के प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर होते हैं और इन फ्लावर्स के अंदर स्टाइल की लेंथ अलग अलग होती है, ऐसे फ्लावर। और डाइक्लाइनी का एग्जाम्पल हमारे पपाया है, पपीता, और मलबरी यानी कि शहतूत। हेट्रोस्टाइली के अंदर एक ही स्पीशीज के प्लांट के अंदर जो फ्लावर है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, और कैसे अलग अलग तरह के, उनके जो स्टाइल की लेंथ है वो अलग अलग होती है, कहीं लंबे हो सकता है और कहीं छोटा हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है प्राइम रोज। प्राइम रोज के अंदर दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक फ्लावर वो जिसमें स्टाइल लंबा है तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं पिन आइड फ्लावर, और दूसरा वो जिसके अंदर स्टाइल छोटा है उसे हम कहते हैं थ्रम आइड फ्लावर। और ये जो हेट्रोस्टाइली है या विषम रूपता है ये भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है, इसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी यानी कि
फॉर एग्जाम्पल एक फ्लावर है, उस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर उसी फ्लावर का पॉलन गिरता है और उसी स्टिग्मा के ऊपर किसी दूसरे फ्लावर का, उसी स्पीशीज के किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन गिरता है, तो दूसरे फ्लावर का पॉलन पहले जर्मिनेट होगा उसी फ्लावर के पॉलन की तुलना में। तो इसे हम कहते हैं प्रीपोटेंसी, यानी कि जो अपने ही फ्लावर का पॉलन है वो जर्मिनेट होने में टाइम लेता है और जो दूसरे फ्लावर का पॉलन है वो जल्दी जर्मिनेट होता है, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। अगर दूसरे फ्लावर का पॉलन नहीं आ रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में अगर सेम फ्लावर है, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट सेम फ्लावर के है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर जो पॉलन है अपने ही स्टिग्मा के ऊपर गिर रहे हैं, तो जो पॉलन है वो जर्मिनेट नहीं करता है, कभी भी जर्मिनेट नहीं करता है। तो यानी कि जो स्टिग्मा है अपने पॉलन को जर्मिनेट नहीं होने देता है, किसी दूसरे फ्लावर का अगर पॉलन आता है तो वो जर्मिनेट होगा, अपने फ्लावर का पॉलन जर्मिनेट नहीं होगा। तो ये है हमारी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जिसके अंदर अपने फ्लावर का पॉलन जर्मिनेट नहीं होता है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। और इसके एग्जांपल है हमारे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के पोटैटो एंड टबैको, और प्रीपोटेंसी के एग्जांपल है एप्पल एंड पीच। तो इस तरीके से ये कुछ हमारे एडेप्टेशन है फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अभी कुछ और भी एडेप्टेशन है जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। हम क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारा जो नेक्स्ट एडेप्टेशन है वो है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी के अंदर जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल ही होता है, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ फिजिकल बैरियर होता है जिससे पोलन स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस के अंदर पोलन एक बलून शेप्ड स्ट्रक्चर, ये बलून शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर पैक होते हैं पोलन और वो स्टिग्मा तक, स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाते हैं। तो ये एक एग्जांपल हुआ हर्कोगैमी का। हर्कोगैमी में फ्लावर बाइसेक्सुअल है, लेकिन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन के बीच में फिजिकल बैरियर होता है, जिसकी वजह से जो मेल गैमेट है वो फीमेल यानी स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं, और इसको कहते हैं हम हर्कोगैमी। और ये एक बलून शेप स्ट्रक्चर बन जाती है पोलेंस के चारों तरफ, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम पोलिनियम, जिसकी वजह से पोलेंस नहीं आ पाते हैं कॉन्टेक्ट में स्टिग्मा के और पोलन जर्मिनेशन नहीं होता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सप्रेशन ऑफ वन सेक्स। ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ही होता है, इसके अंदर केवल एक जो टाइप है सेक्स ऑर्गन का वो मैच्योर होता है, दूसरा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जो मेल ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर हो रहे हैं और लेकिन फीमेल ऑर्गन मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, या फीमेल ऑर्गन मैच्योर हो रहे हैं तो मेल ऑर्गन मैच्योर नहीं हो पा रहा है। फ्लावर है, दोनों ही तरह के ऑर्गन है उसके अंदर, लेकिन जो मैच्योरिटी है वो केवल एक ही टाइप के ऑर्गन की हो रही है, दूसरे टाइप की नहीं हो रही है, तो इसे कहते हैं सप्रेशन ऑफ वन सेक्स। तो इस तरीके से हमने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स के अंदर क्या क्या खूबियां पाई जाती हैं उनके बारे में जाना। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने होमोगैमी देखा, यानी कि दोनों ही मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही टाइम पर मैच्योर होते हैं, तो ये सपोर्ट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को। क्लिस्टोगैमी यानी फ्लावर हमारा सॉरी जो फ्लावर है वो हमेशा हमारा बंद रहता है, पॉलन बाहर नहीं जाते, सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। थर्ड है जियोकार्पी। जियोकार्पी यानी कि जो फ्रूट का डेवलपमेंट है वो सॉइल के नीचे होता है और ये भी सपोर्ट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को। मिराबिलिस जाल्पा के अंदर जो हमारे एंथर है, जो हमारा स्टैमन है, वो अपनी
फिलामेंट की लेंथ बढ़ाता है और वो बैंड हो जाता है किसकी तरफ, स्टिग्मा की तरफ। मैच्योर एंथर बैंड हो जाता है किधर की तरफ, स्टिग्मा की तरफ, और जो पॉलन है वो कहाँ गिरते हैं, स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं। विंका रोजिया के अंदर जो स्टाइल है वो अपनी लेंथ बढ़ा लेता है, पॉलन के पास पहुंच जाता है, जिससे कि जो पॉलन है वो कहाँ गिरे, स्टिग्मा के ऊपर ही गिरे। सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि आलू के अंदर जो स्टिग्मा है वो अपनी लेंथ बढ़ा लेता है और एंथर के चारों तरफ कॉइल्ड हो जाता है, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन ही हो। तो ये कुछ एडेप्टेशन थे सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। अब क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर डाइकोगैमी पाई जाती है, यहाँ होमोगैमी है वहां क्या है, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी यानी कि भिन्न कालपक्वता। तो जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, मेल ऑर्गन्स अलग टाइम पर, फीमेल ऑर्गन अलग टाइम पर, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो ये किसे सपोर्ट कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन को। इसके अलावा है हमारी डाइक्लाइनी, डाइक्लाइनी यानी कि एक लिंगता, यानी जो फ्लावर हैं कैसे हैं, एक लिंगी है, या तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन हमारा पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड है हमारा हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में एक ही प्लांट के ऊपर दो तरह के फ्लावर हैं या तीन तरह के फ्लावर हैं, जिनमें जो स्टाइल की लेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट है, किसी में बड़ा है और किसी में छोटा है। तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है और क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। इसके बाद हमारा प्रीपोटेंसी, कि अगर एक ही फ्लावर यानी कि सेम फ्लावर के पॉलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर रहे हैं, तो जो पॉलन का जर्मिनेशन है वो नहीं होता है, और अगर किसी दूसरे प्लांट के पॉलन आते हैं तो जर्मिनेशन होता है। दो फ्लावर है, एक सेम फ्लावर उसका पॉलन आया, एक किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन आया, तो जो अपने फ्लावर का पॉलन है वो जर्मिनेट नहीं होता है, देर से जर्मिनेट होता है, जो दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन है वो जल्दी पॉलिनेट होता है। तो अगर दूसरे फ्लावर का पॉलन नहीं आता है तो अपने फ्लावर का पॉलन जर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो इसे हम कहते हैं प्री पोटेंसी, यानी जो पहले मौका मिलेगा दूसरे फ्लावर के पॉलन को मिलेगा जर्मिनेट होने का। नेक्स्ट है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जिसमें अपने फ्लावर का पॉलन कभी भी जर्मिनेट नहीं होता अपने स्टिग्मा के ऊपर, किसी दूसरे फ्लावर का ही पॉलन जर्मिनेट होता है, इसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इसके बाद हमने हर्गोगैमी के बारे में जाना, जब मेल और फीमेल ऑर्गन के बीच में कोई फिजिकल बैरियर होता है, और इसके बाद सप्रेशन ऑफ वन सेक्स ऑर्गन, यानी एक टाइप के जो ऑर्गन है वो मैच्योर होते हैं और दूसरे टाइप के सप्रेस हो जाते हैं, उनका मैच्योरेशन नहीं होता है। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो को देखकर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।